आज हम हिंदी विषय में हिंदी साहित्य और भाषा इस पुस्तक से विष्णु प्रभाकर इस लेखक की एक कहानी सुनेंगे। सबसे पहले हम इस विष्णु प्रभाकर इस लेखक का परिचय देखेंगे। विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 को गांव मिरनपुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। विष्णु प्रभाकर की आरंभिक शिक्षा मीरापुर में हुई। बाद में वे अपने मामा के घर हिसार चले गए, जो तब पंजाब प्रांत का हिस्सा था। घर की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण वे चलते हुए आगे ही पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाए और गृहस्थी चलाने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी करनी पड़ी। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के तौर पर काम करते समय उन्हें प्रति माह 18 रुपये मिलते थे, परंतु मेधावी और लगनशील विष्णु ने पढ़ाई जारी रखी और हिंदी में प्रभाकर व हिंदू भूषण की उपाधि के साथ ही संस्कृत में प्रज्ञा और अंग्रेजी में बीए की उपाधि प्राप्त की। विष्णु प्रभाकर पर महात्मा गांधी के दर्शन और सिद्धांतों की गहरा प्रभाव पड़ा था। इसके चलते ही उनका झुकाव कांग्रेस की ओर हुआ और स्वतंत्रता संग्राम के महासमर के उन्होंने अपनी लेखनी का भी एक उद्देश्य बना लिया, जो स्वतंत्रता के लिए सतत संघर्षत रही। अपने दौर के लेखकों में वे प्रेमचंद, यशपाल, जिनेंद्र और अज्ञेय जैसे महारथियों के सहयात्रियों रहे, परंतु रचना के क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान थी। विष्णु प्रभाकर ने पहला नाटक लिखा हत्या के बाद। हिसार में नाटक मंडली में भी काम किया और बाद में दिनों में लेखक को ही अपनी जीविका बना लिया। जो वो लिखते थे बाद में वो लेखनी ही उनकी एक जीविका, एक जीने का साधन बन गया है। स्वतंत्रता ने उपरांत वे नई दिल्ली आ गए और सितंबर 1955 में आकाशवाणी में नाट्य निर्देशक के रूप में नियुक्त हो गए, जहां उन्होंने 1957 तक काम किया। वर्ष 2005 में वे तब सुर्खियों में आए जब राष्ट्रपति भवन में कथित दुर्व्यवहार में विरोध स्वरूप उन्होंने पद्म भूषण की उपाधि लौटाने की घोषणा की। उनका आरंभिक नाम विष्णु दयाल था। एक संपादक ने उन्हें प्रभाकर उपमान से रखने की सलाह दी। विष्णु प्रभाकर ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने साहित्य की सभी विविधाओं में अपनी लेखनी चलाई। 1931 में हिंदी मिलाप में अपनी पहली कहानी दिवाली के दिन छपने के साथ ही उनके लेखन का ही जो सिलसिला आरंभ हुआ वह 8 दशकों तक निरंतर जारी रहा। शरतचंद चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा लिखने के लिए वे शरद को जानने के लिए लगभग सभी स्रोतों से जगह तक गए, बांग्ला भी सीखी और जब यह जीवनी छपी तो साहित्य में विष्णु जी की धूम मच गई। आगे वो कहते हैं कि कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, बाल साहित्य सभी विधाओं में प्रचुर साहित्य लेखन के बावजूद आवारा मसीहा उनकी पहचान का पर्याय नहीं बन गई। बाद में अर्धनारीश्वर पर उन्हें निसंशय साहित्य अकादमी में पुरस्कार मिला हो, किंतु आवारा मसीहा ने साहित्य में उनका मुकाम अलग ही रखा था। विष्णु प्रभाकर ने अपने इच्छा पत्र में अपने संपूर्ण अंगदान करने की इच्छा व्यक्त की थी, इसलिए उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उनके पार्थिव शरीर को अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान को सौंपा दिया गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं उपन्यास, ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा, होरी, नाटक है हत्या के बाद,
नवप्रभात, डॉक्टर प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, अब और नहीं, टूटते परिवेश। कहानी संग्रह है संघर्ष के बाद धरती अब भी घूम रही है, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत। आत्मकथा है पंखहीन नाम ने, नाम से उसकी आत्मकथा 3 भागों में प्रकाशित हुई है। जीवनी, आवारा मसीहा, यात्रा वृत्तांत, ज्योति पुंज हिमालय, जमुना गंगा के नहर में। सम्मान पद्म भूषण अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान तथा साहित्य अकादमी में पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इत्यादि। और उनका निधन हुआ है 11 अप्रैल 1909 में। अभी जो कथा हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, उस कथा का सार हम देखेंगे। प्रस्तुत कहानी में विष्णु प्रभाकर जी ने वर्तमान समय की कार्य प्रणाली और न्याय व्यवस्था में की जैसी पोली खोल दी है। कहानी में 10 वर्ष की नीना और 8 वर्ष का कमल अपने मौसी के यहाँ रहने को बाध्य है, क्योंकि उनकी माँ नहीं रही है और पिता 20 रुपए की रिश्वत लेने के जुर्म में जेल की सजा काट रहे हैं। एक दिन वे मौसी जी को अपनी मौसी जी से यह बात करते हुए सुन लेते हैं कि उनके पिता यदि 300 रुपए रिश्वत दे देते तो सजा कम नहीं हो पाती। फिर आगे सुनते हैं, जज ने 3000 लेकर एक डाकू को छोड़ दिया। रिश्वत कई तरह की होती है, खूबसूरत लड़की लेकर तो जज और हकीम सबका काम कर देते हैं। एक दिन ये दोनों बच्चे वहां पहुंच जाते हैं जहां एक सुसज्जित भवन में जज की पुत्री मनमोहिनी को कमीशन के सांस्कृतिक विभाग में एक डायरेक्टर के पद हेतु चुना जाता है और वहां भव्य पार्टी हो रही थी। कमल और नीना अपने बाल सुलभ औपचारिकता निभाते हुए मनमोहिनी के समक्ष बोल उठे, मेरे पास 50 रुपए हैं, इसे लेकर पिताजी को जेल से छुड़वा दो। अपने 3000 लेकर एक डाकू को छोड़ दिया। कमल का वाक्य तो जैसे करंट छू जाने वाला था। मेरी जीजी खूबसूरत है और आप खूबसूरत लड़कियों को लेकर काम कर देते हैं। सचमुच कथा का यह लिखने को बाध्य हो गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ धरती अब भी घूम रही है। इस तरह से हमने कभी ये जो कहानी, इसका सार देखा है कि ये अपने देश के न्याय व्यवस्था पर दिखी है और लेखक ने अपने न्याय व्यवस्था पर एक करारा बाण छोड़ दिया है। स्पष्ट रूप से कहा है कि अपनी न्याय व्यवस्था किस तरह से आंधी है, किस तरह से भ्रष्ट है, गुनाह से भरी हुई है। ये हमें छोटी सी कहानी से पढ़ेंगे। तो मैं ये कहानी पढ़ने के लिए शुरुआत करती हूँ। कहानी का नाम है धरती अब भी घूम रही है। आयु नीना की 10 वर्ष की भी नहीं थी, लेकिन बुद्धि काफी प्रौढ़ हो गई थी। शायद यह बुद्धि उसकी अनुभव से प्रौढ़ हुई होगी, जैसा कि अक्सर मातृहीन बालिकाओं के साथ होता है। बुजुर्गी ने उसके लिए आयु का बंधन ढीला कर दिया था। इसीलिए जब उसने सुना कि कुछ दूर पर सोया हुआ उसका छोटा भाई सुबक रहा है, तो वह चुपचाप उठी। एक क्षण भयातुर दृष्टि से चारों ओर देखा, फिर उसके पास आकर बैठ गई। तब रात आधी बीत चुकी थी और चांद कभी का अस्त हो गया था। फिर भी कुछ दूर पर सोते हुए उनके मौसा के परिवार के दूध से धुले कपड़े अंधकार की कालस में चमक रहे थे, जैसे तमसा वृत्त शमशान में अग्नि के स्फूर्तिलिंग वहां चमक कर नीना के नन्हे से दिल पे कसक उठी। किसी तरह रुलाई रोककर उसने धीरे से पुकारा, कमल, ओ कमल। कमल 8वें वर्ष में चल रहा था। उसके छोटे से खटोले पर एक फटी सी दरी बिछी थी, उस पर वह लेटा था गुड़मुड़ पर। उसने पेट से सटा हुआ रखे थे, उसके पैर जो है वो अपने पेट से सटे हुए यानी अकुड़ कर रखे थे।
और मुंह दोनों हाथों से ढक रखा था। रह रह कर उसका पेट सिकुड़ता और सुबकियां निकल जाती। उसने बहन की पुकार का कोई जवाब नहीं दिया। नीना भी इतनी सहमी हुई थी कि दूसरी बार पुकारने का साहस न बटोर गई। चुपचाप कमर सहलाती रही, देखती रही। कई क्षण बीत गए तो उसे सीधा करके उसका मुंह अपने दोनों हाथों में ले लिया। तब उसकी आंखें डबडबाई आई और आंसू ढल कर कमल में मुंह पर जा गिरे। कमल कुनमुनाया, फिर आंख बंद किए किए बोला, जी जी। नीना ने चौंक कर कहा, तू जाग रहा था? नींद नहीं आती जी जी, पिताजी कब आएंगे? जी जी, पिताजी के पास चलो। पिताजी? हाँ जी जी, पिताजी के पास चलो। आज मुझे मौसा ने मारा था जी जी, गिलास तोड़ा तो प्रदीप ने और मारा हमें जी जी, यहाँ से चलो। इस तरह से उसका छोटा भाई अपने बहन को बोल रहा है, क्योंकि मौसा और मौसी के घर में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और अत्याचार हो रहे थे। नीना ने अनुभव किया कि कमल अब रोया वह विहल हो उठी। उसने अपना मुंह उसके मुंह पर रख दिया और दोनों हाथों से उसे अपने वक्ष में समेट कर वह शिशु माँ वही लेट गई। बोली वह कुछ नहीं, बस उस स्तब्ध वातावरण में उसे जोर जोर से थपथपाती रही और वह सुबकता रहा, बोलता रहा, जी जी आज मौसी ने हमें बासी रोटी दी, सारा हलवा प्रदीप और रंजन को दे दिया और हमें बस खुरचन दी। और जीजी, जब दोपहर को हम मौसा जी के कमरे में गए तो हमें घुड़क कर निकाल दिया। जीजी, वहाँ हमें क्यों नहीं जाने देती? जीजी, तुम स्कूल से जहाँ जल्दी आ जाया करो। जीजी, पिताजी को जेल में क्यों बंद किया गया? ऐसे बहुत सारे सवाल उसका छोटा सा भाई कमल अपने जीजी को पूछता है। वहाँ पिताजी को रोटी कौन खिलाता है? हम वहाँ क्यों नहीं रहते? प्रदीप कहता था, तेरे पिताजी चोर है, ऐसे मौसा का मौसी का बेटा कहता है। इस तरह से वो अपने बहन को बताता है। तब एक बार ही अपने को धोखा देते हुए नीना जोर से बोल उठी, प्रदीप झूठा है, और कहकर अपनी ही आवाज़ पर वह भय से थर थर काँप आई। उसने कमल को जोर से खींच लिया। कमल को लगा जैसे जीजी बड़े जोर से हिलती चली जा रही है। हालन आ गया क्या? उसने घबरा कर कहा, जीजी जीजी क्या है? तुम्हें बुखार आ गया है? चुप चुप, मौसी आ रही है। सचमुच कोई उठकर जल्दी जल्दी उनके पास आया और खड़क कर पूछा, क्या है नीना? कमल क्या कर रहे है? ओहो, भाई से लाड लड़ाया जा रहा है। मैं कहती हूँ नीना, तू यहाँ क्यों आई है? अरे बोलती क्यों नहीं? ओहो, बड़े बेचारे गहरी नींद में सोए हैं। अभी तो बड़ी गुटरगु मेरी शिकायत हो रही थी, जैसे मैं जानती ही नहीं। हाय रे मेरी किस्मत, ओ बहन तू खुद तो मर गई पर मुझे इस नरक में छोड़ गई। इस तरह से उनकी जो मौसी है वो बच्चों को ताने कस रही है। तभी मौसा हड़बड़ाकर उठ बैठे, पूछा, क्या बात है, क्या हुआ? हुआ मेरा सर, दोनों भागने की सलाह कर रहे हैं। कौन भागने की सलाह कर रहा है? नीना, कमल। अरे कुछ लिया तो नहीं? अलमारी की चाबी तो है, रात ही तो 500 रुपये लाकर रखे है। अरे तुम बोलती क्यों नहीं? क्यों री नीना, कहाँ है रुपया? बोलते बोलते मौसा उठकर वहाँ आ गए, जहाँ दोनों बच्चे एक दूसरे से सिमटे सबकगाए कबूतर की तरह आंखें बंद किए पड़े थे। मौसी ने तुनक कर कहा, क्या पता क्या क्या निकालते, वह तो मेरी आँख खुल गई। और फिर झपट कर नीना को उठाते हुए कहा, चल अपनी खाट पर, खबरदार जो पास सोए तो। बाप तो आराम से जेल में जा बैठा है, मुसीबत डाल गया मुझ पर, न लाती तो दुनिया मुझे मुंह पर थूक देती। बहन के बच्चे थे, शहर ही शहर में आंखों में लिहाज न आई, लेकिन कहने वाले यह नहीं देखते कि हमारे घर में क्या सोने चांदी की खान है? क्या खर्च नहीं होता? पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है,
और फिर बच्चों की खुराक बड़ों से भी ज्यादा ही होती है। इस तरह से मौसी उन बच्चों को देखकर बोल रही है। वो बहन के बच्चे होकर भी वो अपने बहन के बच्चों पर तरस नहीं खा रही है। इस रुपए नहीं निकालते, इस बात से मौसा को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने खाट पर बैठते हुए कहा, मैं कहता हूँ तुम तो अब चुप रहो। भले ही चचेरी बहन है पर है तो बहन के ही बच्चे ना। हाँ, बहन के बच्चे हैं, तभी तो बहनोई साहब को रिश्वत लेने की सूझी और रिश्वत भी क्या ली, 20 रुपए। वह भी लेने नहीं आई, वही पकड़े गए। मैं रात 500 लाया हूँ। कोई कह दे, साबित तो कह दे। इस तरह से उसके मौसा ने भी रिश्वत लाया है, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया है। लेकिन उनके पिताजी पर झूठा आरोप कर कर 20 रुपये लेने की जुर्म में बच्चों से अलग करके उनमें जेल में बिठाना पड़ा। ये उनको जेल में बिठवाया गया। और मजा यह कि जब मैंने कहा कि 300 400 रुपये का प्रबंध कर दे, तुझे छुड़ाने का जिम्मा मेरा, तो सत्यवादी बन गए। मैं रिश्वत नहीं दूंगा। नहीं दूंगा तो ली क्यों थी? अरे लेते हो तो दो भी ना। मैं तो, मौसी ने सहसा धीमे पड़ते हुए कहा, चुप भी करो, रात का वक्त है, आवाज बहुत दूर तक जाती है। काफी देर बड़बड़ाने के बाद जब वे फिर सो गए तो दोनों बालक तब भी जागते पड़ते थे। आंखों की नींद आंसू बनकर उसके गालों पर जमती जा रही थी और उसके धुंधले पर्दे पर बहुत से चित्र अनायास भी उभरते आ रहे थे। एक चित्र रो रो कर पागल हो गए थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, प्यार घटता गया और दया बढ़ती गई। दया ऊंच नीच और दंभ की जननी है। उसने उन्हें आज पशु से ही तिरस्कृत बनाया है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक मौसी होकर भी वो कितना ज्यादा बुरा व्यवहार वो बच्चों के साथ कर रही है। एक चित्र मौसा का था, जो तीसरे चौथे दिन बहुत से नोट लेकर आए और उसे लक्ष्य करके कहते, मैं कहता हूँ कि उसने रिश्वत ली तो दी क्यों नहीं? अरे 300 देने पड़ते तो 500 बटोरने का मार्ग भी तो खुलता। एक चित्र पिता का था। पिता तो प्यार करता था। पिता जिसके रिश्वत ली थी, पिता जिसे जेल में बंद हुए 2 महीने बीत चुके थे और अभी 7 महीने शेष थे। नीना ने सहसा दोनों हाथों से अपना मुंह भींच लिया। उसकी सुबह की निकलती वाली थी। उसने मन ही मन में विहल विकल होकर कहा, पिताजी अब नहीं सहा जाता, अब नहीं सहा जाता। मौसा तुम्हारे कमल को पीटते हैं। पिताजी तुम आ जाओ, अब हम उस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, अब हम बढ़िया कपड़े नहीं पहनेंगे। पिताजी तुमने रिश्वत ली थी तो दे क्यों नहीं देते, क्यों क्यों? इस प्रकार सोचते सोचते उसकी बंद आंखों के अंधेरे में पिता की मूर्ति और भी विशाल हो उठी। एक अधेड़ व्यक्ति की मूर्ति, जिसकी आंखों में प्यार था, जिसकी वाणी में मिठास थी, जिसने दोनों बच्चों को नए स्कूल में भर्ती करवा रखा था, जहां उन्हें कोई मारता झिटकारता नहीं था, जहां नाश्ता मिलता था, जहां वे तस्वीरें काटते थे, खिलौने बनाते थे। इस तरह से पिताजी ने वो दोनों बच्चों को बड़े प्यार से रखा था। माँ के जाने के बाद भी वो उनको खाना खिलवाते थे, खाना बनाते थे, उनको अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। उनको वहाँ पे कोई डांटता फटकारता नहीं था। बड़े प्यार से दो बच्चों की वो परवरिश कर रहे थे, लेकिन अचानक से काल ने उन पर हमला कर दिया और रिश्वत के जुर्म में बेचारे पिताजी को अपने बच्चों से अलग होना पड़ा और जेल की सलाखों के पीछे वो अपना जीवन गुजार रहे हैं। और दूसरे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मौसा और मौसी दोनों छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जुर्म ढा रहे हैं, जो मातृहीन बच्चे हैं, 8 और 10 साल के, लेकिन उनके ऊपर भी वो रहम नहीं खा रहे और उनको अलग अलग ताने देकर, बातें सुनाकर, उनको बासी खाना खिलाकर, उनको वैसे ही भूखे सुलाकर, ताने देकर वो उनसे घर के काम करवा रहे हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। इस तरह से वो बच्चों का जो नाजुक कोमल मन था, वो अपने पिता के प्रति विहल हो चुका है
और वो दुख से भरे वो मौसी और मौसा के घर से निकल जाने के बारे में सोच रहे हैं, अपने पिताजी को छुड़ाने के बारे में वो प्रयत्न कर रहे हैं। इस कहानी से हमको सच में हमारे हृदय को एक जब तरह के स्पर्श होता है कि ऐसे भी लोग अपने समाज में होते हैं, ऐसे भी न्याय व्यवस्था इतनी अंधी अपने समाज में है, और वो सब कुछ जो बेगुनाह लोग हैं, जो कोमल हृदय के निरागस लोग हैं, उनको ये सब बातें भुगतनी पड़ती हैं। इस कहानी का जो शेष भाग है वो हम अगली सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।